बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे आयुर्वेदिक काढ़ा रेसिपी। सर्दी, खांसी, बुखार, गले में दर्द, इन्फेक्शन, इन सब के लिए ये बहुत ही फायदेमंद चीज़ है। इसमें हम आयुर्वेदिक चीज़ें डालेंगे जिससे हमारी जो गला की खराश है, बलगम है, इन सब में फायदेमंद हो। सबसे पहले हम एक पैन में 2 ग्लास पानी लेंगे। अब इसमें हम अदरक को घिस के डालेंगे। घिस के अदरक को इसलिए डालेंगे ताकि अदरक की सारी अर्क उसमें ना आ जाए। अब 2 से 3 तेज पत्ता लेंगे, उसको छोटे छोटे टुकड़ा करके उसमें ही डाल देंगे। तेज पत्ता एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल, एंटी ऑक्सीडेंट है, तो बहुत ही फायदेमंद है। साथ ही साथ 6-7 लौंग डालेंगे। लौंग हमारी म्यूकस को निकालने में बहुत फायदेमंद है। अब इसमें हमने 4 से 5 छोटे छोटे टुकड़े दालचीनी डाले। अगर आपके पास दालचीनी टुकड़े नहीं तो आप आधा चम्मच पाउडर भी डाल सकते हैं। ये बॉडी में हीट लाता है और हमारी जो फीवर है वो सब दूर हो जाएंगे। ये हमने 1 चम्मच आमा हल्दी डाला है। आमा हल्दी अगर हमारे पास नहीं है तो हम आधा चम्मच हल्दी भी डाल सकते हैं। हल्दी हल्दी जो एंटीबैक्टीरियल है उसको दूर करने में बहुत अच्छा, इन्फेक्शन अगर है तो हल्दी काम करते हैं इन्फेक्शन दूर करने के लिए। साथ ही साथ हमारी हड्डियों को भी मजबूत करता है। इसमें हमने 1 चम्मच अजवाइन डाला है और आधा चम्मच काली मिर्च डाला है। अजवाइन भी बहुत ही अच्छा फायदेमंद, बहुत फायदा करता है। और काली मिर्च भी सर्दी खांसी और गले दर्द और खराश के लिए बहुत ही फायदेमंद है। अब हमने इसमें आधा चम्मच काला नमक डाला है। काला नमक बहुत ही हेल्पफुल चीज़ है। इसमें 10 से 12 तुलसी का पत्ता डाले हैं। तुलसी का पत्ता हर इंग्रेडिएंट्स में, आयुर्वेदिक चीज़ों में पड़ता है क्योंकि इसके फायदेमंद बहुत ज़्यादा है, उसकी बात ही अलग है। अब इसमें हम 2 बड़े चम्मच गुड़ भी डालेंगे। साथ ही साथ 1 चम्मच, आधा चम्मच हम सौंठ डालेंगे। ये सूखा अदरक है, सौंठ गर्माहट करता है। इन सब चीज़ों में पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, भरपूर पड़ा हुआ है और ये इन्फेक्शन से फाइट करने में मदद करता है। इसे अच्छे से पका लेंगे। 2 चम्मच हम गुड़ डालेंगे। गुड़ इन्फेक्शन से फाइट करने में मदद करता है। साथ ही साथ ये सब चीज़ें कड़वा है तो इस एक मिठास भी ले आएगा। अब इन काढ़ा को हम 2 से 3 मिनट अच्छे से पकाएंगे जब तक ये आधा नहीं हो जाता है। हमने ये काढ़ा पूरे दिन भर के लिए बनाया। कम से कम ये 3 से 4 कप बनेगा। इसे हर 4 घंटे पे लीजिएगा ताकि जितने भी बलगम है, कफ है, वो सब निकल जाए और गले का जो खराश है वो भी दूर हो जाए। आजकल सर्दी खांसी बहुत आम हो गई है तो ये सारे इन्फेक्शन दूर हो जाए। ये काढ़ा बहुत ही फायदेमंद है, आप जरूर इस्तेमाल कीजिए। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं क्योंकि ये आयुर्वेदिक और नेचुरल हर्ब से बना हुआ है। देखिए हमारा ऑलमोस्ट 3 से 4 मिनट हो गया है और ये अच्छे से पक रहा है। और इसका जब तक आधो आदमी हो जाता है तब तक हम इसे पकाएंगे अच्छे से। तकरीबन 3 से 4 मिनट तक अच्छे से पकाएंगे। इन सब चीज़ों में एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल, एंटी ऑक्सीडेंट, एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज है और ये इंस्टेंट रिलीफ करता है। बहुत ही अच्छी चीज़ है। गले को और सीने में जो म्यूकस है, कफ है, उन सबको इंस्टेंट रिलीफ करता है। अब ये देखिए ये आधो आध हो गया है। अब इसे हम अच्छे से छान लेंगे एक मग में, एक छोटी पतीली में अच्छे से छान लेंगे। इसके जितने भी अर्क है वो थोड़ा दबा के हम इसे अच्छे से निकाल लेंगे। ये देखिए मैं चम्मच की मदद से थोड़ा सा अर्क को निकाल रही हूँ। इसे चाय की तरह गरम गरम ही पीना है। ये देखिए अब इसे हम 1 कप में लेंगे और गर्मा गर्म पियेंगे जैसे हम चाय पीते हैं। ये समझो एक ब्लैक टी है। गुड़ की वजह से इसमें थोड़ी मिठास भी आ गई है तो ये ज्यादा बिल्कुल भी कड़वा नहीं है। अब जरूर ट्राई कीजिएगा। दिन में तकरीबन 4 से 5 टाइम पीजिएगा। ये बहुत फायदेमंद है
हड्डियों के लिए भी बहुत अच्छा है।